हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ बात करने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, वारिस पठान ने बड़ा अजब बयान दिया है। उन्होंने कहा आजादी चाहिए, आजादी अगर नहीं मिलती छीन के लेना पड़ेगा। 15% बनाम 80% का नारा दिया उन्होंने। देखिए, मुझे क्या लग रहा है, ये कुछ इस तरह की जहरीली जबान वाले लोग समाज के एकता के सौहार्द के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की सुपारी लेके बैठे हुए हैं। कहां से सुपारी मिली है और कहां का सरोता है ये तो पूरे देश जानता है, लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि जो जहर की खेती कर रहे हैं उस जहर की खेती से वो चाहते हैं कि उनको सत्ता की जो है वो फसल उनकी उगे, वो नहीं हो सकता। जहर की खेती से जहर ही पैदा होता है। वैसी के मंच से भी सर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। अब जिस मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद लग रहा हो, कहा जा रहा हो कि सीए मुर्दाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो ये अपने आप में जो है वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि ये सारे के सारे जो बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, ये बोगस बैशिंग ब्रिगेड देश के लोगों को गुमराह करना और गुमराही गैंग का गैंगस्टर बनने की के जो है वो कॉम्पिटिशन में लगा हुआ है। नकवी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने एक अजब आदेश दे दिया है। नसबंदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए कर्मचारियों पर इतना दबाव बना दिया कि अगर आप लक्ष्य नहीं पूरा करेंगे तो आपको वीआरएस लेना पड़ेगा, आपकी सैलरी में कटौती करें। जी के जो गुरु थे, कौन थे आप जानते हैं ना, उनको कहने की जरूरत नहीं इमरजेंसी के समय में। तो इसलिए जो है वो भोंडे ढंग से जो है वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और ये जो भोंडा तरीका है ये ठीक नहीं। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, साफ तौर पर कह रहे हैं जहरीली जुबान से इस देश में काम नहीं चलेगा, इसे बंद करना चाहिए। कैमरामैन आदर्श के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।